आदाब, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज और मैं हूं अर्शद डार। और जैसा आप सबको मालूम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक हिदायत भी जारी हुई थी, कोविड केसेस यहां पे काफ़ी इंक्रीज हुए थे, उसके बाद यहां पे कल से ही नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी बताया गया था कि जिसको भी विदाउट मास्क सड़क पर देखा जाएगा उसको एक तो फाइन होगा और वहाँ पे इंस्टेंट रैपिड टेस्ट होगा। लेकिन जो रिस्पांसिबिलिटी है आम लोगों की भी है और यहाँ पे जो तबके हैं उनकी भी है। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कश्मीर ट्रेड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उन्होंने एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का इनका यहाँ पे किया। जो भी लोग लाल चौक में विदाउट मास्क पाए जा रहे थे उनको मास्क दिए जा रहे थे और साथ ही साथ अवेयर भी किया जा रहा था कि मास्क क्यों लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए ताकि आप इस कोविड से बच सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस एसोसिएशन के अफराद, उनसे बात करते हैं। सर पहले ये बताइए, आप आज आपने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कितने लोगों को आपने विदाउट मास्क पाया और कितनी अवेयरनेस आपको लगा कि अभी जरूरत है? देखिए, जहाँ तक मास्क लगाने की ज़रूरत है वो तो मास्क लगाने की जहाँ तक ज़रूरत है अभी तो उसकी शुरुआत ही हुई है, क्योंकि पहले लोगों को शायद लगा था कि ये वबाई बीमारी चली गई है तो लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था, मगर मास्क लगाने की ज़रूरत है और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये दोबारा से दूसरी लहर आई है और काफ़ी से पहले से काफ़ी डेंजरस है, तो लोगों में ये जानकारी पैदा कर रहे हैं कश्मीर ट्रेड मैन्युफैक्चरर फेडरेशन के बैनर तले, जिसकी सदारत मोहम्मद सादिक बकाल साहब कर रहे हैं, उनकी सदारत में आज ये मास्क ड्राइव का अहतमाम किया गया है। बकाल साहब ये बताइए, जो आपकी फेडरेशन है तो आने वाले वक्त में क्या एक्स्ट्रा प्लान रहेगा अवेयरनेस को लेकर लोगों तक ये बात पहुँचाने में कि फर्स्ट मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए? हम जो इसको कंटिन्यू करेंगे, वी विल कंटिन्यू, जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमारी ज़रूरत होगी हम मैदान में फिर आएंगे और हम फिर एक बार इसको दूसरे तरीके से लेके आएंगे, ताकि हमारे जो आम लोग हैं वो पूरी तरह इसको अंडरस्टैंड करें कि ये लहर जो आई है सेकंड टर्म की लहर, ये कितनी खतरनाक है, हम उनको अवेयर करेंगे, यही हमारी कोशिश है। क्या आने वाले वक्त में आप डिस्ट्रिक्ट का भी रुख करेंगे? ये चांसेस वही है, हम बैठेंगे, जो हमारी शोरा है वो बैठेंगे, दे विल डिसाइड कि किस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, क्या डिस्ट्रिक्टों में हमारा जाना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी मुनासिब हुआ तो हम ज़रूर डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे KTMF ने आज एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव यहाँ पे की और साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी किया कि मास्क लगाने से क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से क्या होगा, हम ये दुआ भी करते हैं, साथ साथ ये गुजारिश भी लोगों से करते हैं कि कोविड के केसेस काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं और 850 का आंकड़ा भी हमने पार कर लिया है और नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पे लगाया गया है, तो सबसे गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ को सीरियसली लें ताकि हम आने वाले वक्त में कोविड फ्री कहलाएं।